अयोध्या विवाद मामले पर सबसे बड़ा फैसला जो है अब उसकी घड़ी करीब आ गई है। अब जो है आज आखिरी दिन है सुनवाई का, दलीलें जो है आज आखिरी रख दी जाएंगी और सीजेआई ने साफ तौर पर कह दिया शाम 5 बजे का मतलब शाम 5 बजे होता है, अब एक्स्ट्रा 1 घंटा भी नहीं दिया जाएगा। अभी हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो दलीलें दे रहे हैं और उसके बाद जो है 1 घंटा दिया जाएगा मुस्लिम पक्ष के वकीलों को, वो दलील रख पाएंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु आचार्य वेद मूर्ति हमारे साथ बने हुए थे, मुस्लिम विचारक फजील अहमद भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि फजील अहमद आपने सुना था कि किस तरह से शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने जो बातें कही थी कि अब जो है वो हिंदू के पक्ष में फैसला आए या ना आए लेकिन मुसलमान पक्षकारों को भी इकट्ठा होना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि शिया वक्फ बोर्ड कहीं से भी पक्षकार नहीं है, पक्षकार नहीं है सर, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा तो कहा है, मेरी पूरी बात होने दीजिए। और रिजवी साहब भाजपा के ही बनाए हुए चेयरमैन है उस बोर्ड के, वो भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, इनका समाज हार्डकोर वोटर है, इसलिए वो तो जो बात कहते हैं भाजपा की भाषा बोलते हैं, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो जिसके साथ जाना चाहे जाएं, लेकिन वो हम पर थोप नहीं सकते, अपनी विचारधारा हम पर नहीं थोप सकते, हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, अपने विवेक से अपनी बात करने के लिए, और हम मस्जिद से सबकी आस्था मंदिर से है, हम भी एज ए मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ते हैं तो हमारी भी आस्था मस्जिद से है, हम भी अपनी आस्था पर लड़ रहे हैं। यदि निर्मोही अखाड़ा अपनी आस्था पर लड़ रहे हैं तो हम भी अपनी आस्था पर लड़ रहे हैं, दोनों तरफ की आस्था है, और मुझे विश्वास है कि अदालत जो है दोनों की आस्था का सम्मान करेगा, और जो सही निर्णय होगा, जो जजमेंट होगा, जो न्याय होगा, निश्चित रूप से आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देगा सहर्ष हम लोग को स्वीकार है, हम लोग 1 इंच भी न्याय से इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन वेदमूर्ति आचार्य वेदमूर्ति कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन्हें ये डाउट है कि गोल मटोल जवाब होगा, और ऐसा हुआ भी है कि कई बार जब इस तरह के ऐतिहासिक फैसले होते हैं तो उसमें स्पष्ट चीजें नहीं होती हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में क्या ये नहीं होना चाहिए कि आप भी कह रहे हैं कि मंदिर बने हम भी चाहते हैं, लेकिन जो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बात सामने आ रही है, हालांकि इस पे क्लियर अभी चीजें सामने नहीं आई हैं कि मध्यस्थता पैनल को एक हलफनामा दिया गया, आखिरी मोमेंट जब चल रहा है सुनवाई का तो इस तरह से हलफनामा देना कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। देखिए, ये सब फर्जी बातें हैं, ड्रामा है। और मैं फजील साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो रिजवी साहब ने कहा था एक बात बहुत अच्छी कही थी कि वो मुसलमान होते हुए, लेकिन वो सिया मुसलमान है, और हमें शायद लगता है फजील साहब सुन्नी मुसलमान है, ये सिया और सुन्नी की लड़ाई यहाँ ही नहीं, नहीं, नहीं पूरे पूरे देश पूरे पूरे विश्व में कोई लड़ाई नहीं है। एक सेकंड, वो देखिए उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना बता दें, उन्होंने बहुत अच्छा भी एक बात कही थी कि हमारे देश के मुसलमानों को चाहिए कि इस शुभ कार्य के लिए खुद आगे बढ़े, और कार सेवक इस बार हिंदू नहीं, कार सेवक इस बार हमारे देश के मुसलमान हो, चाहे वह सिया हो चाहे वह सुन्नी हो, जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई ये मंदिर के रूप में है, और वो भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा लैंड नहीं है, 2.77% लैंड जो है उस पर जो है वह हल्फनामा चल रहा है, सिर्फ इतनी चीज कम चीजों का त्याग करना है हमारे देश के मुसलमानों को। और देखिए वो बाबर के नाम से वो मस्जिद था, इसलिए रिजवी साहब ने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि इस देश वहां अयोध्या ही नहीं पूरे देश में उस दुर्दांत आतंकवादी बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सहर्ष हमारे देश का मुसलमान। आचार्य जी, यहां मुझे मैं तब से आपसे जब भी सवाल ले रही हूं तो मैंने एक चीज गौर की है कि जब भी आपके मतलब की बात कही जाती है उस पॉइंट को तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन जहां आपसे डिफरेंट किसी चीज की बात कही जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं इससे हम ताल्लुकात नहीं रखते। राजीव धवन को लेकर जो बात कही जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई, अभी आप कह रहे हैं रिजवी साहब ने यह अच्छा कहा, तो यहां वो उदारतावादी जो होना चाहिए मुस्लिम पक्षकारों को, भाई उदारतावादी अलग बात है लेकिन वो अपना पक्ष तो रखेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट तो अच्छा बाबर के नाम से रखेंगे, ये पॉइंट तो अच्छा है, जहां आपको लगता है ये हमें लेने लायक है तो आप ले लेते हैं, और जहां लगता है कि ये हमारे विरुद्ध है तो आप वहां पे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये कैसे होगा आचार्य जी? कम से कम एक बात पे तो टिके रहिए। नहीं नहीं, टिके रहने की बात तो हम तो आपको बताए कि अयोध्या में 60 मस्जिद जो है हिंदू वहां बना करके दे दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के
फजील अहमद से यही तो मैं पूछ रही हूँ, हमारे लिए जो है वो मक्का मदीना है। कम से कम फजील अहमद, कम से कम फजील अहमद, कम से कम फजील अहमद ये कह तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। आप तो कह रहे हैं कि फैसला जो है वो गोल गोल घुमावदार होगा, और मुझे ये डाउट कह रहा हूँ कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो सुप्रीम जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी प्रकार कुछ गोल मटोल जजमेंट आने वाली है, पूर्ण रूप से फैसला नहीं होने वाला। इसके लिए हमारे सरकार को पहल करनी पड़ेगी, और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये सरकार इसमें पहल करती है, कानून बना करके मंदिर का निर्माण करती है, तो आने वाले 50 सालों तक बीजेपी का जड़ मजबूत हो जाएगा और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं सरकार बनाने से रोक सकती। ये शुभ कार्य मोदी जी कर दे, जड़े मजबूत करने के लिए अध्यादेश लाने की आप बात कर रहे हैं। अश्विनी दुबे, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है? सब लोग कह रहे हैं कि सर्वमान्य होगा फैसला, और क्योंकि आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह से जब सर्वोच्च न्यायालय है हमें भरोसा रखना चाहिए। इस वक्त प्रेशर संविधान पीठ पर भी उतनी ही होगी, और जिस तरह से आज आचार्य कह रहे हैं बातें को, ये सिर्फ एक क्योंकि आचार्य हमारे साथ बैठे तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा वर्ग है एक जो ये सोचता है कि शायद फैसला कुछ ऐसा हो जो क्लियर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। फजील अहमद की बात भी बहुत गलत है जो इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं। मैं बता दूं जी, यह प्रमाण है कि बाबरी मस्जिद में 1949 से लेकर 2019 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। अरे आप समझे नहीं, ऐसे मुस्लिम होने के नाते मैंने कहा कि मुझे मस्जिद की आस्था है, मस्जिद की आस्था है। दलीलें चल रही हैं, तीन बातें यहाँ पर, तथ्यों को दर्शकों को सही बताना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा फैक्ट बताना जो अंदर इन्होंने नहीं देखा कि हियरिंग में क्या चल रहा है और क्या इसके कानूनी पहलू। दूसरा, 2.77 एकड़ जमीन नहीं, जमीन का उससे भी विवाद जो है बहुत कम हिस्सा है जो गर्भगृह है। 2.77 एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया, एक हिस्सा श्री रामलला विराजमान को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, और एक हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को। अब लेकिन जो विवाद है, क्योंकि अगर आपको चाहिए, हिंदू जो पक्ष कह रहा है कि हमें डेटी का जहां जन्म हुआ, भगवान राम का जहां जन्म हुआ, वो छोटा सा हिस्सा जब तक नहीं मिलेगा तो आप कहीं और भव्य राम मंदिर बनवा दीजिए, वो नहीं है। और इस बात पर वो अटैक हुए हैं। हाईकोर्ट के फैसले की बात करें, गोलमोल फैसला नहीं है, अदालत की प्रक्रिया कभी गोलमोल नहीं होती है, हमेशा तथ्यों के आधार पर होती है। और 33,000 से भी ज्यादा पन्ने हैं इस केस के, और आज से नहीं 1885 में जब सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ने वो मुकदमा डाला था, उस समय सब जज के सामने, फिर फैजाबाद जज के सामने 1959 में आया ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, और जो रामलला विराजमान है वो 1989 और 1979 के आसपास में आए हैं। तो जैसे जैसे अश्विनी जी, जैसे जैसे राजनीति ने एंट्री ली, जैसे जैसे राजनीति ने एंट्री ली इस मामले में, वैसे वैसे पक्षकार बढ़ते ये तथ्यों के सामने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने कहा कि हमने सर्वेक्षण में, खुदाई में यह पाया कि यहां पर मंदिर के अवशेष हैं। इस बात पर आज तक कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आप वेदांत जी, सुप्रीम कोर्ट में तो क्वेश्चन किया गया, रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए गए। बिल्कुल, वो उठाना सवाल उनका कार्य है, लेकिन जो अदालत के सामने जो तथ्य है, उन तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में मेजोरिटी ने यह माना, इनफैक्ट की जो मुस्लिम जज थे उन्होंने भी यह माना कि यहां पर राम का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि यह टाइटल डिस्प्यूट है, और टाइटल डिस्प्यूट में जो हमारे देश का कानून है हम उसके हिसाब से चलेंगे, तो पोजेशन में चूंकि मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू भी पूजा ऑफर करते रहे ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी 1885 में वहां पर बाड़ लगाकर पूजा करने की अनुमति दी गई। तो दूसरा जो पहलू है वो इंपॉर्टेंट पहलू ये है। तीसरा, पूजा जब से शुरू हुई तब से नमाज पढ़ना बंद हो गया, नमाज पढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है, तो यही बात मैं कह रहा हूँ। और इसमें पांच जजेस की जजमेंट है, 54 में स्टे हुआ, इसमें पांच जजेस बेंच की जजमेंट है, और फैजाबाद जिला जज ने 1950 में जो वहां पर मुकदमा लगा, फैजाबाद जिला जज ने उसके ताला खोलने के भी आदेश दिए। तो ये जो तथ्य है वो तथ्य अदालत के सामने है, और अदालत इसको टाइटल सूट की तरह देख रहा है कि क्या क्या एविडेंसेस हैं। आस्था के आधार पर अगर कानून बनाने का पावर तो पूरी तरह पार्लियामेंट को, उसके लिए तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार पार्लियामेंट भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो। अगर पार्लियामेंट को करना होता तो 2014 से 2019 तक मोदी गवर्नमेंट चाहती तो लॉ ला सकती थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि हमारे देश में तीनों जो पालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों की अपनी अलग ब्यूटी है, तीनों के संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उन अधिकारों के हिसाब से चल रहा है।
और इसलिए मैं यह कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो क्लियर होगा, वो क्लियर होगा, बड़ा क्लियर होगा और सबको वो मान्य होगा। आज के हम पहलू की तरफ आते हैं अश्विनी जी, शायद यही वजह है कि सीजीआई बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पहले 18 अक्टूबर डेडलाइन तय हुई थी, फिर 17, और आज आखिरी दिन कह दिया गया है कि शाम 5 बजे तक ये जो दलीलें हैं रख दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीआई और संविधान पीठ को भी समझ में आ रहा है कि मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मध्यस्थता पहले करवाई, मध्यस्थता फेल हुई, उसके बाद फिर से जब ये सुनवाई डे टू डे चलने लगी तो फिर से मध्यस्थता की बात बीच में उठ गई कि मध्यस्थता के लिए एक बार फिर से कोशिश की जाए, जिसको सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर पैरेलल में चलना है मध्यस्थता तो चले, उन्हें नहीं है, लेकिन सुनवाई अब नहीं रुकेगी। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो नहीं चाहता है कि फैसला आए। बिल्कुल, ये बात है। और आज नहीं, मीडिएशन से पहले भी आप देखिए, जब 2018 में सुनवाई चल रही थी, दीपक मिश्रा साहब ने ये किया कि चलो हम अब एक कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, डे टू डे हेयरिंग पर सुनवाई करेंगे, तो उस समय भी जो अपोजिशन के लोग थे, दूसरी पार्टी के, अपोजिशन मींस कांग्रेस पार्टी के और बाकी पार्टियों के लोग, उन्होंने कहा इसको लोकसभा चुनाव के बाद आप रखिए। लोकसभा चुनाव आया तो फरवरी में यह मेंशन हुआ कि चूंकि जो सेकेंड जज है जस्टिस बोबडे, उनकी भी इच्छा थी कि मीडिएशन से समझ आए, क्योंकि रहना सबको यहीं पर है, तो उन्होंने तीन जो लोग थे हो सकते थे, जस्टिस खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू, तीनों को उन्होंने मीडिएटर बनाया। और उसके साथ ही कहा मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगी इस इंसिडेंट को। पार्टीज बैठी आपस में बैठी, उनका किसी मामले पर सुलह नहीं हो पाया। फिर अगस्त 6 से सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग सुनवाई, फिर इन्होंने कहा कि मीडिएशन प्रोसेस में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा मीडिएशन प्रोसेस में अब अगर आपको करना है तो अपने आप बाहर करके बताओ हमें, अगर तीनों पार्टीज को इसमें मंजूरी मिल, अगर आप मंजूर करते एक चीज को, अदरवाइज हम डे टू डे हियरिंग जो कॉन्स्टिट्यूट की है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एडजर्न। और आज जो है 5 बजे तक, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो नेट ट्रिकी हैं, उन्हें पता है कि कैसे आगे खींचना है, और वो चाहते हैं कि नवंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट है और वो काफी रिलक्टेंट है इसको डिसाइड करने के लिए, तो नवंबर के बाद चला जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डिटरमिंड है कि हमें इसको सुनवाई करके इस विवाद का हमेशा के लिए अंत करना है। फजील अहमद क्या कहेंगे, ये जिस तरह से अश्विनी जी भी ये बात मान रहे हैं कि मामले को घुमाने फिराने का प्रयास किया गया, और ये मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ही सर। मैं आपकी बात समझ गया जी। समय हमको देखिए, रामायण में कहा गया है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और 17 राम मंदिर पहले ही राम मंदिर बना हुआ, उसके महंत लोग कहते हैं कि भगवान राम का जन्म इसी मंदिर में हुआ। ये हुआ रामायण की बात, आस्था की बात। चलिए, कहीं ये नहीं लिखा गया है कि 2.77 में ही भगवान राम का जन्म हुआ है। आज तो नक्शा फाड़ दिया सर। अरे सर, मैं ये रामायण की बात कर रहा हूँ, मैं नक्शे की बात नहीं कर रहा हूँ सर। केवल रामायण में क्या है ये बताइए, रामायण के नाम पर। देखिए भगवान राम को हम रामायण से जानते हैं, मेरी बात सुनिए, भगवान राम के वंशज हैं। अरे वो छोड़िए ना बात, अभी तो नहीं है ना, अभी भी है, अभी नहीं ना है, अभी तो हम कुरान से चल रहे हैं ना। कितने साल से? अरे जितने भी साल से। अब ये चैनल खुला है, ये चैनल खुला है, तो जब से खुला तभी की बात करेगा ना। अभी हम देखिए जबरदस्ती हमको, आप लोग हमको चप्पल नहीं पहनने देंगे, हमको साथ बैठने नहीं देंगे, अपने पूजा पद्धति में नहीं बैठा लेंगे, इतना छुआ छूत, इतना भेदभाव, इतना नफरत, इतना इंसान से नफरत, कौन रहेगा आपके साथ? आप कौन रहेगा आपके साथ बताइए? आप नफरत, अरे फजील अहमद साहब, आप चप्पल नहीं पहनेंगे, सवाल सिंपल सा था, कौन रहेगा आपके साथ? आज भी देख लीजिए, हम मस्जिद की बात कर रहे हैं, हमको अपने एकदम सिंपल था, आप टाल बटोल करने की कोशिश कौन कर रहा है? लेकिन फिर से मामला आपने घुमा दिया, जहाँ भी बात है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाता है। अरे वेदमूर्ति जी जरा बोलिए, वेदमूर्ति जी जो हमारा भूमि रहेगा सर, थोड़ा आचार्य साहब रहेगा, आचार्य साहब थोड़ा सा पेशेंस, एज ए आचार्य बोला नहीं बीच में, थोड़ा सा पेशेंस। फजील अहमद से सीधा सा सवाल ये था कि टाल मटोल करने की कोशिश कौन कर रहा है, मध्यस्थता की बात किसकी तरफ से उठाई गई? आज भी सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ और कह रहा है और आप यहाँ बैठे कुछ और कह रहे हैं। सुनिए श्वेता जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है ना सर, हलफनामा दे रहा है ना? कोई सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा है, झूठ बात है ये, सर ये बात फैलाई जा रही है, आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने दो मैडम भारतीय जनता पार्टी का नंबर आने दीजिए, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं उस पे जवाब दे रही हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर पर राजनीति करके सत्ता तक पहुंच गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला बाहर जाए, आप संविधान को मानने के लिए तैयार हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं
ताकि लोगों की जुबान बंद हो जाए और लोगों का जो है वो आपकी तरफ से हटके लोग भारतीय जनता पार्टी में कूद पड़े। तो आप गलत है ना, आप नहीं चाहते, आप गुमराह कर रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। भाजपा ही कह रहा है कि दो रास्ता था, सरकार ने कहा है कि वहां पर राम मंदिर था और वहीं पर राम मंदिर बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम संविधान के हिसाब से चाहते हैं। आप संविधान को मानते ही नहीं है। यही काम तो, यही बात तो नेहा जी कह रही हैं, फजील साहब यही बात नेहा जी कह रही हैं कि दो रास्ते थे हमारे पास, हमने संविधान का रास्ता अख्तियार किया है। संविधान, संविधान अगर नहीं, संविधान आप जैसे बोल रहे, हमने संविधान का कानून है, क्या आप लोग चाहते हैं कि कानून लाके हम लोग अध्यादेश लाके आ रहे हैं? हम संविधान को क्यों अहमियत ना दें, आप बताइए ना। आप नहीं मानते, इसका मतलब थोड़ा हम भी संविधान से विश्वास उठा दें। हम तो मानते हैं और अभी भी कह रहे हैं जो आएगा हमें वो, हमें उसका फैसला सर्वोपरि होगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम है, जो भविष्य में जी रहे हैं, ज्योतिष के आधार पर एक बार बता दूं, ज्योतिष के आधार, ज्योतिष सत्य होता है। ज्योतिष, ये मुद्दा पार्टी के लिए आज से नहीं है, ये मुद्दा पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, आप मंत्र पढ़ के फूंक दीजिए पाकिस्तान को, आप मंत्र पढ़ के फूंक दीजिए, उड़ा दीजिए पाकिस्तान को, उड़ा दीजिए चाइना को। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में ज्योतिष का कोई स्थान नहीं है। राजनाथ सिंह पर कमेंट कर दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने रक्षा मंत्री को कमेंट कर दिया। मिक्सअप मत कीजिए सर, प्लीज मेरे सवालों का जवाब। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इंटरफेयर करने नहीं दूंगी, क्योंकि बात यहां फजील जी ने बीजेपी से उठाया है, तो नेहा जी जवाब दे सकती है। और नेहा जी नहीं, फजील जी पहले सवाल सुन लीजिए। नेहा जी का ये कहना है कि बीजेपी के सामने दो रास्ते थे और बीजेपी डंके की चोट पे ये कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में ये बात कह रही है कि हम तो राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन दो रास्ते संविधान के हिसाब से वो रास्ता अख्तियार किया। अब आप कह रहे हैं कि अध्यादेश लाके क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको आरोप लगाना था बीजेपी के ऊपर। 370 पर अध्यादेश ला दिया, संजय गुप्ता बैठे हुए हैं, आज तक स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे कांग्रेस का कि 370 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। और आप चाहते हैं अध्यादेश लाके राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा दे। डिले क्या बात कर रहे हैं सर, क्या राइट चाहते हैं वापस से? कपिल सिब्बल जी का बयान था शुक्ला जी और संजय जी, इस केस को राम मंदिर की सुनवाई जो है वो विधानसभा के चुनाव के बाद हो, तो ये एक आप बताइए। हाँ, ऐसे मैं कोई स्कूल से पढ़ के सीधा चैनल में, अरे घटनाओं की जानकारी बात किया मैं बोलती हूँ, अरे आप ये गलत हो गया, आपको वापस फजील जी, फजील जी, फजील जी, फजील जी, फजील जी, चीजों को समझ, फजील जी पर्सनल अटैक नहीं चलेगा, पर्सनल अटैक नहीं चलेगा, बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं चलेगा, बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं चलेगा, ये कोई बात नहीं हुई, अपनी बात आप साबित नहीं कर सकते, आप पर्सनल अटैक करें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर, आप पर्सनल अटैक करने के लिए नहीं बैठे। फजील हमें सवाल का जवाब दीजिए, फजील हमें सवाल का जवाब दीजिए, नेहा जी बोलने दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं खाली बोल रही हूं, मैं सिर्फ क्या, नहीं आप बताइए ना, क्या मैं सिर्फ स्कूल से पढ़ रही हूं और चैनल से बता दूंगी, या सारी ज्ञान की जानकारी आपको ही है? आप गलत बोलते हैं, बिल्कुल ज्ञान की सीमा कोई उम्र से नहीं होती है। नेहा जी बोल लेने दीजिए, फजील जी अब मैं मौका दूंगी, अनुभव क्या होता है आचार्य जी, क्या होता है आचार्य जी, आचार्य जी अनुरोध कर रही हूँ, मान लीजिए एक मिनट फजील अहमद जी, पहली बात तो पर्सनल अटैक बर्दाश्त नहीं करूंगी, एक तो मीडिया पे ये जो टारगेट किया जाता है ना कि मीडिया जो है, एक तो निष्पक्ष रहेगी, नहीं नहीं मैं एंकर हूँ, मैं निष्पक्ष रहूंगी, मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन आप इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं करेंगे सर, आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, आप बोलिए तो हम उससे निष्पक्ष की बात करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप, सर मैंने सवाल क्या पूछा कि कौन टाल मटोल करने की कोशिश कर रहा है, जवाब नहीं देने दे रहे आप लोग, बोलिए ना सर, मैं बोल रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था बताइए हमको, क्या बात कर रहे हैं सर, आप यही चाह रहे हैं कि फैसला
जितना जल्दी हो, और हिंदू वहां पर मंदिर था, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया, ये बात मुस्लिम जज भी मान रहे हैं, सब कुछ है, सिर्फ आपको नहीं मानना, आपको गुमराह करना, आप चाहते हैं 150 साल से और लेट हो और डिले, ताकि इसका कोई वो नहीं निकला, आपको तो मिल सकती जमीन, आपको पता है क्योंकि आप इसके दावेदार हैं नहीं, तो आपका प्रॉब्लम यही है कि हिंदू इसके दावेदार है, वहां पे राम थे तो वहां पे मंदिर क्यों बने, ये प्रॉब्लम है, आप करेंगे तो हम समझाते हैं, हां हां बस आप ये मैं आपको पीछे कर दिया, आप इतने समझा समझा रहे हैं, अरे फजील अहमद साहब आप टेक्निकल मुझे समझा रहे हैं, यहां सुप्रीम कोर्ट इस संविधान बीच बैठी है, सर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि आप सर मेरी बात सुन लीजिए, संविधान बीच जो बैठी है को मंदिर शहीद हुई सर, और क्यों शहीद हुई हाई कोर्ट के इस के बाद जो गया तोड़ दिया सर, जो हुआ कानून को मानते हो, यदि आप कानून को मानते हो तो आप क्यों नहीं हिंदू, अयोध्या का नया अध्याय, जी हाँ सबसे बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है और घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कई कि कितनी जल्दी राम जन्मभूमि क्या है वहीं पे मंदिर बनेगा, और क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा क्या वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां अगर देख ले तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब धीरे धीरे सवाल उठने लगे हैं, राजीव धवन ने जिस तरह से कहा था कि केवल क्या सारे सवाल मुस्लिम पक्षों से पूछे जाएंगे, हालांकि जब हिंदू पक्ष से सवाल किए सीजीआई ने तो चुटकी लेते हुए कहा कि अब हम हिंदू पक्ष से भी पूछ रहे हैं, आपको तो कोई आपत्ति नहीं या अब आप खुश हैं, तो इस तरह से चीजें देखी जा रही हैं कि आज हाई वोल्टेज ड्रामा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, राजीव धवन ने नक्शा ही फाड़ दिया, खबर यह भी आ रही है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हलफनामा दिया, हालांकि स्पष्टीकरण अभी सामने नहीं आया है कि हलफनामे में क्या है, तीन शर्तों की बात सामने आ रही है कि सशर्त हलफनामा दिया गया कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में ड्रामा क्यों, सवाल यही उठता है कि इतने सालों से जो मामला अटका पड़ा है अब जब घड़ियां करीब हैं, अब फैसला आ सकता है, तो ऐसे में ये कौन पक्ष है जो मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है, हमारे साथ तमाम गेस्ट जो है बने हुए हैं, अश्विनी जी आपसे ना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी फजील अहमद कह रहे हैं फैक्ट्स फिगर सबकी बात कर रहे हैं, और यहां तो नहीं नहीं मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि फैक्ट्स फिगर का तो जानकारी अश्विनी जी देंगे, आप मानेंगे ना अश्विनी जी जो कहेंगे वो तो मानेंगे, अश्विनी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 1992 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था और ये सारे फैक्ट्स के बावजूद तोड़ दिया था, मैं ये कह रहा था कि हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा था, उसके बावजूद उन्होंने संविधान को तोड़ खत्म करके और जाके तोड़ दिया, यहीं पे बिठा ले, सुनिए मेरी बात, यही मैं कह रहा हूं अनुभव की कमी यही होती है, यही एक्सपीरियंस की कमी होती है, 6 दिसंबर 1992 को हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद अगर हाई कोर्ट आपके चैनल चलाने के लिए मना कर दे तो चलाइए चैनल, हमको बताइए अरे हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी आप जाके कार सेवा की और तोड़ दी, प्लीज बहस को इधर उधर मत ले जाइए, एक बार मैं फैक्ट्स ले लूं, अश्विनी जी आप पहले उसको समझिए क्या अस्थगन आदेश क्या होता है, पहले समझिए इस बात को सर, कोर्ट ने स्टे जो कर दिया होता है, आप कौन समझा रहे हैं, आप बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर, सारी जानकारी आ रही है सर, एक मिनट अश्विनी जी, कोर्ट का कोई फैसला कोई डिसीजन कोई प्रोटेक्शन होता है तो उसमें जमील अहमद को कोई राइट नहीं होता है कि क्या होता है कहने का, वो कोर्ट ही निर्धारित करती है, स्टे ऑर्डर का क्या मतलब, कोर्ट ही निर्धारित स्टे का क्या मतलब है, क्या बात कर रहे हैं, कोर्ट ही निर्धारित करती है कोर्ट के उस आदेश का पालन हुआ या नहीं हुआ, हाँ तो क्या नहीं हुआ तो उसमें अवमानना है, उसमें किसी भी चलते हुए व्यक्ति आज तक जो चल रहा है, जो 2000 क्यों चल रहा है 2010 में हाई कोर्ट का ऑर्डर का मतलब पहले बताइए क्या हुआ, उस जजमेंट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि स्थगन आदेश के बाद भी कोई इलाहाबाद में तोड़ा गया, कल्याण सिंह की बात सुनवाई में ये कल्याण सिंह की बात सीबीआई अदालत गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कल्याण सिंह अभी सीबीआई की अदालत में क्या करने गए थे, आप या तो इनको बुलवा लीजिए, आप सच बोलिए ना, आप गुमराह करने पर है नहीं, कल्याण सिंह पर केस चल रहा है और जब वो राज्यपाल थे 6 दिसंबर हम फजील अहमद यहाँ ये डिस्कशन करने नहीं बैठे, हम यहाँ ये डिस्कशन करने नहीं बैठे कि 1992 में क्या हुआ, 1992 में जो हुआ वो कोर्ट के सामने है, फजील अहमद आप बार बार गुमराह कर रहे हैं, आप चाह नहीं रहे कि वो सवाल वो जवाब आप सुने जो आप सुनना नहीं चाहते, आप सवाल का जवाब सुनना नहीं चाहते, जब अश्विनी जी की होने के बाद आपने उस पर तोड़ा क्यों, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके वही बैठेगी क्योंकि आपके पास और कोई जवाब नहीं है, आप कानून नहीं मानते, आप कानून कहाँ माने, आप तो कानून आप लोगों ने भी तो कानून तोड़ा ना,
इंतजार कीजिए, अभी सरकार के बस का नहीं है। आपको भी बधाई, सरकार नहीं बना पाएगी, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ बोल सकते हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है कि जब ऐसे ऐसे टाइम में, जब ऐसा मोमेंट है कि ये कई सालों से फैसला लटका हुआ है और जब सुप्रीम कोर्ट में बातचीत है तो लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या यहाँ नहीं लगता है कि सभी पक्षों को सामने आना चाहिए और फैसला जो है उसके लिए इंतजार तो कम से कम करें और बयानबाजी से बचे कि किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी भी बाज नहीं आ रही है, बीजेपी के नेता तो जो है बेलगाम हो रखे हैं और वो उठ उठ कर इस तरह के बयान दे रहे हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। क्या कहेंगे संजय जी? मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे हाँ हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आई सर जी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ये समझना पड़ेगा कि आज जब ये ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक कार्रवाई कोर्ट के अंदर चल रही है, आज उस सुनवाई का अंतिम दिन है और एक महीने के लगभग समय के अंदर इसका फैसला आने की उम्मीद भी है, तो क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे मंत्री और आरएसएस के नेता इस देश के अंदर इस फैसले का, अभी कोर्ट के अंदर फैसला आना है, आने से पहले उस फैसले का श्रेय लेने में लगे हुए, क्यों ये सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? और ये लगातार इनकी सोच है। मैडम अभी मैंने कहा था, आप सुन लीजिए ना, आप बोल रही, मैं बोला बीच में, आप बोले आपने ठेका ले रखा, सुनिए ना, आपका नंबर आएगा, आपका जब आएगा जब बोलिएगा, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, यही तो है बात। असली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज विनय कटियार जी का बयान आया, उन्होंने कहा बनेगा तो सिर्फ मंदिर ही, साक्षी महाराज का ये शब्द है, साक्षी महाराज साहब तो बेलगाम है, इसके अलावा बहुत से लोगों की फहरिस्त है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ये इस देश में ये कहना चाहते हैं, ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना किसी कानूनी प्रक्रिया को मानते हैं। ये वकील साहब बैठे हैं मेरे साथ, अश्विनी चौबे जी, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, ये भी बात कर रहे थे कॉन्टेम्प्ट की। मैं पूछना चाहता हूँ अश्विनी जी से कि अश्विनी जी आप ये बताएं कि कोर्ट का फैसला आने को है और उससे पहले यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर के, जो देश का सांसद हो और रूलिंग पार्टी का नेता भी है, वो ये कहना चाहता है, फिर बीच में बोल रही है, फिर बीच में बोल रही है, फिर भी क्या बोल रहे हैं? अरे आपको बीमारी है क्या? अरे सुनिए आप, हमें जरा आपने क्या दिया क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सुनिए कपिल सिब्बल की बात सुनिए, कांग्रेस ने ताला दिया है, आप झूठ बोलते हैं, आपके नेता झूठ बोलते हैं, आप झूठी सरकार है। और सुनिए 30 साल से लगातार आज इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहे हैं और इस मुद्दे को बेच रहे हैं और अभी राम मंदिर नहीं बनने दे रहे, इस देश में भी बड़ा मंदिर नहीं बनने दे रहा। आप क्या कर रहे थे? आप ही नहीं देना चाहते, आप गुमराह कर रहे हैं, केवल बयान देना चाहते हैं, आप दूसरे पक्ष आप धमकाना चाहते हैं, संजय जी सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन जवाब जवाब दे रहे हैं, पहले साक्षी महाराज की बात तो कर लीजिए, नेहा जी दंगे कराकर के आप फैक्ट्रिया
बैठी हूँ सर। नेहा जी सवाल तो उठेगा, नहीं नहीं अरे नेहा जी मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं सर, अरे सामने जी बहुत देर से चुप बैठे थे, पेशेंस क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया सर, पेशेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का दुख जो है, अरे पेशेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, नेहा जी सवाल का जवाब दो, नेहा जी सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, आप दर्शकों के पास सोचिए क्या जाए, एक संजय जी आप बोले गलत बोले, आचार्य जी मैं आऊंगी आपका एक सवाल पूछ रही हूँ, यहाँ बीजेपी से एक सवाल है, नेहा जी प्लीज 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 दुख हो रहा है कि राम मंदिर क्यों बनने जा रहा है, नेहा जी प्लीज दुख हो रहा है, क्या बात कर रही है नेहा जी, सवाल पूछ लूं, दुख इस बात का हो रहा है, दुख आपको हो रहा है, दुख आपको हो रहा है, माइक डाउन कराना पड़ेगा मुझे, मुझे माइक डाउन करवाना पड़ेगा, अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो बधाई हो जी, राम मंदिर बहुत जल्दी बनेगा, आप बगल में बैठिए एक बार सुन लीजिए मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि आप नहीं आई थी उस वक्त, ये सवाल था आचार्य जी का, ये कहना था बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करके चल रही है कि हम हमारे पास दो रास्ते थे, हमने संविधान का रास्ता अपनाया, लेकिन क्यों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, संजय जी भी आरोप लगा रहे हैं, जब साक्षी महाराज जैसे नेता जो है बयानबाजी करते हैं, व्यक्तिगत राय उनकी बताकर और आस्था का नाम पर कह दिया जाता है कि इस तरह के बयान है, तो लगाम अगर लग जाए, क्योंकि अब फैसले की घड़ी करीब है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि एक वर्ग है जो उनसे प्रभावित होता है। आचार्य जी का यह कहना था जो बैठे हैं कि बीजेपी को चाहिए कि अध्यादेश लाकर इस पर राम मंदिर बनाने की बात, तो वो जो है आगे 50 साल तक उनकी सत्ता कोई नहीं हिला सकता, तो इस तरह की बात अगर आचार्य जी बैठ के टीवी चैनल पे बोलेंगे तो सब तो कहेगा ही कि बीजेपी यही चाहती है, इसको इनकैश करवाना चाहती है, उस पे मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि बीजेपी के पास दो ही रास्ते थे, एक अध्यादेश और एक संविधान, संविधान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, और जो भी सुप्रीम कोर्ट लाएगी उसको हम मानेंगे सर्वोपरि होगा, कांग्रेस ने कभी भी मंदिर बनने के लिए हमेशा खिलाफत करी है, हमेशा आपको बात भी सुनिए ना, कपिल सिब्बल ने एक बयान दिया था कि आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, और आप कहते हैं आफ्टर विधानसभा इलेक्शन इसका होना चाहिए, उससे पहले आप झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, अभी विधानसभा में जवाब मारेंगे, आप परमिशन मैं भी आपके बीच में बोलती हूँ कि आप टेंशन मत करोगे, मैं आपको बोले तो चेहरा ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको मैं भी नहीं बोलने दूंगी, आप सरासर झूठ बोल रहे, कांग्रेस को तो राम पे विश्वास ही नहीं है कि राम भी थे, आचार्य जी आप तो कुछ नहीं किए, कोई बात नहीं, आप राम मंदिर बनेगा आप देख लेना, अयोध्या में और दर्शन कर लेते फजील अहमद तो कहते कि यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं आप, दर्शन करिए हम क्या बात कर रहे हैं, आप भी कर लेकिन माफ कीजिएगा बोलना पड़ता है, अगर वहाँ जाके रामलला के दर्शन करते तो आप कहते कि राजनीति कर रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ स्टैंड क्लियर कर रही हूँ कि अगर ये होता तो आप इसे डिबेट में बैठ के क्यों बोल रहे होते, आप क्या बात करते हैं सर, दोनों पक्ष में नहीं हो सकते, आप दोनों पक्ष की तरफ से नहीं बोल सकते, अरे फजील अहमद साहब आज ना देश की जनता भी समझ रही है कि कौन गुमराह करने की देश की जनता तो मर रही है, उसका पैसा डूब रहा है बैंकों में, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग तो वहाँ परेशान है, आप मंदिर के लिए परेशान है, आप मस्जिद के लिए परेशान है, लोग अपनी रोजी रोटी में परेशान है, राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा इस पर डिबेट है सर, उस पर बात आचार्य जी, फैजल साहब ने कहा कि अभी तक मोदी जी जो है वहाँ जन्म स्थान पे नहीं गए, तो फैजल साहब हाँ जाके नहीं मिले,
आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि वो शुभ घड़ी आने वाली है। श्रद्धे सुन लीजिए, श्रद्धे मोदी जी के ही कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का नींव रखा जाएगा। सुन लीजिए, और ये श्रेय मोदी जी को जाएगा और बहुत शीघ्र समय आ रहा है। भ्रम नहीं, पूर्ण सच्चाई बता रहा हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। और दूसरी बात मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है। मोदी जी शुभ घड़ी में काम करते हैं। सुन लीजिए, वो नासिक में काम किया, एक सेकंड, बहुत परेशान कर रहा है। कहा ने आज मान से लेकर के प्रधानमंत्री ने मान से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले कोई भी बयान भाजपा का कार्यकर्ता और नेता नहीं देगा, तो क्या मान रहे? जो दे रहे साक्षी महाराज, क्या मान रहे? अरे वो तो फैसला, मुकदमा क्यों लड़ रहे हो? जाके बनाओ मंदिर, मेरे भी मुकदमा क्यों लड़ रहे हो? फिर साक्षी महाराज को जो सांसद बने हैं ना, वो भगवान श्री राम ने बनाया है, मुलायम सिंह ने बनाया है। योगी और मोदी जी भी जो सरकार में बैठे हैं ना, वो भगवान श्री राम के बदौलत बैठे हैं। भाजपा ने उनके मदद के लिए साक्षी महाराज को फजील अहमद, चलिए आचार्य जी आपने बोल दिया, लोग मानते हैं वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, सिर्फ आप जैसे मुस्लिम हैं जो नहीं मानते और जान के भी नहीं पाते हैं। फजील अहमद, फजील अहमद, आज आपकी बातचीत से तो यही लग रहा है कि फैसला भी आपको सर्वमान्य नहीं होगा। फजील अहमद, मेरा सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सर्वमान्य नहीं होगा? सर, मुझे नहीं लग रहा है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लग नहीं रहा, क्योंकि टाल मटोल जब भी है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से की गई है। तो आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य नहीं होगा, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं आप? मैं आपसे बोल रही हूँ फजील अहमद, नहीं आप जवाब दीजिए, मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार बीजेपी को हस्तक्षेप करते हैं, बीजेपी ने इसका बीजारोपण किया है, तो आज फल की बारी आई है ना, तो बीजेपी ही लेगी। अभी आपने देखा कांग्रेस के तरफ से आज पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरा हिंदू, पूरे भारत के जन जन आज जो है पूरे टीवी में राम मंदिर छाया हुआ है। लेकिन अभी आप देखने कांग्रेस का जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें हसुआ का विवाह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है कि ये जो हरियाणा का चुनाव की बात की जा रही है। कैसे कांग्रेस के ऊपर हम लोग भरोसा करें कि वो राम मंदिर के लिए कुछ कर रही है? अगर बीजेपी कर रही है तो वो धन्यवाद के पात्र है, अगर कांग्रेस भी करेगी तो वो भी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन आज राम और कांग्रेस जो है वो हरियाणा चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कैसे हम उनके ऊपर देश के अंदर बेरोजगारी की बात की जाए? चाहे वो साक्षी महाराज हो रहे हैं, चाहे योगी जी हो रहे हैं, जवाब दीजिए ना फजील अहमद को। जी सर, श्वेता जी की बात का जवाब दूं, बाबा जी के बात का जवाब दूं? नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मेरी बात सुनिए, श्वेता जी का दे दीजिए। मैं एक मुस्लिम हूँ जी, और मेरी आस्था मस्जिद से है और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से मैं पैरवी करता हूँ सभी चैनलों पर। मैं चाहूंगा कि फैसला मेरे पक्ष में आए जी, चाहूंगा ना, मेरा अधिकार होता है, हक बनता है। मैं नहीं कह रही हूं कि आपकी चाहत ऐसी। सुन लीजिए, अब आई सुन लीजिए, बाबर नाम की, अब सुन लीजिए, बाबर पे फैसला चाहते हैं आप? अब बाबर पे अगर हम बात करेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। बाबर के नाम पे अगर बात करेंगे, अब देख लीजिए नाम क्या है उसका। बात सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है तो उसका मतलब नहीं निकाला जा सकता। आप उनकी बात सुन लीजिए आचार्य जी, ये देश में ऐसा नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अरे बाबा जी सुनिए, इतना मत उतावले होइए, बड़ा खराब होता है। अरे हम नहीं डरे आपसे, अरे हमको नहीं डरे आपसे, आपसे तो ये माना जाता है। डरने वाले नहीं है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने आपको कहा, ये बीच में बोल दिए, मैं फिर शुरू करूँ। अब मस्जिद के प्रति मेरी आस्था होना मेरा अधिकार है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, है ना। मैं तो मंदिर की बात नहीं करूंगा, और जिस तरह से हमारा आस्था है उसी तरह नेहा जी का और बाबा जी का मंदिर से आस्था है। दुबे जी का भी है और कहीं हमारे गुप्ता जी भी हैं, ऐसा नहीं है कहीं गुप्ता जी भी, क्योंकि कांग्रेस का पता है ना, है ही नहीं है, जाते ही नहीं है। मैंने आज मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए, मैं इस चैनल के माध्यम से, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए नेहा जी, सुन लीजिए, आप सही बोला है, आप तो मैं आपका फेवर कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अरे फैसला आ भी जाएगा तो मैं, अब मेरी बात सुनिए, बीजेपी क्या ही गुंडा। मैं आज से एक महीने पहले, दुबे जी गवाह है इस बात के, सुदर्शन न्यूज पे ही मैंने कह दिया था कि जिस दिन मंदिर के हक में फैसला आएगा और मंदिर सरकार बनवाएगी, फैसले के बाद सबसे पहली कार्य सेवा करने फजील अहमद जाएगा।
भारत की एकता और अखंडता के लिए, मंदिर के लिए। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं मानूंगा, बाबर मेरे पुरखा है, हम कैसे भूल सकते हैं उनको। आप मेरी बात सुनिए, लेकिन सुन, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, लेकिन नेहा दुबे से पूछिए, नेहा दुबे से पूछिए, नेहा जी से पूछिए, और इनसे पूछिए बाबर से। अरे सुनिए, अरे सुनिए सर, इतना बेचैन हो जाते हैं, बाबर के सामने तो आप खड़े नहीं हो पाते थे, तब तो आप जाके बाबर नामा पढ़ते थे उस टाइम, उस टाइम तो तलवे चाटते थे आप बाबर के, आज बहुत पावर हो गया आपको, आज हिंदू जाग उठा उस बाबर को सुनिए, तब तो नहीं आज बांधने में सुनिए मूर्ति जी, काफी आपकी भावनाएं जो है बहुत, अब मेरी बात सुनिए, अगर बाबर को अपना वंशज मानते हैं, अरे बाबर का क्या रिश्ता है मेरे शरीर में खून है बाबर का, मैं कैसे भूल जाऊं, 800 साल सेवा कर रहा हूं इस देश की, दोनों पीढ़ियां अगर फैसला मस्जिद के पक्ष में आया तो क्या ये लोग जाकर के मस्जिद में कार सेवा करेंगे? पूछिए, नहीं करेंगे। फजील अहमद ने एक सवाल पूछा था कि अगर फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आता है तो सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने कोट किया है कि वो खुद जाएंगे और कार सेवा करेंगे, और अगर मुस्लिम पक्षकारों के पक्ष में आता है तो सवाल ये था बीजेपी से और आचार्य से भी कि क्या वो जाएंगे। तो सबसे पहले नेहा जी आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या लगता है, जो सवाल पूछा है उन्होंने उसका जवाब क्या देंगे आप? उसका जवाब यही है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो हमें सर माननी है, और ये बात पहले भी बोल रहे हैं, यही अब भी बोल रहे हैं, पता नहीं हमारे मुंह में और क्या बुलवाना चाहते हैं। हमने ना कभी पहले कहा, भाजपा का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा कि संविधान के हिसाब से चलेंगे, हमने ये बात कही नहीं, कांग्रेस की तरह हम संविधान को मानते नहीं जी, कोर्ट का फैसला लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन के बाद आएगा। कपिल सिब्बल जी ने यही कहा था ना कि अभी मत दीजिए इसका फैसला लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा के बाद दीजिए, तो हमारा स्टैंड तो ये है ही नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि संविधान जो कहेगा उसी के हिसाब से चला जाएगा। आचार्य जी जवाब आपसे भी चाहेंगे। आज के समय में सर्वोपरि सबके लिए, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश भी, लेकिन इसमें मैं आज भी फिर उसी बात को कहने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाले समय में आदेश जो आएगा वह गोल मटोल ही आने वाला है, और ये हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। एक सेकंड मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, और ये हिंदुओं को मात्र और मात्र स्वीकार वो है सिर्फ और सिर्फ वहां भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो। दूसरी बात क्यों, उसका कारण यह है कि मुस्लिम ग्रंथों में भी, कुरान में भी यह वर्णित है कि जो विवादित जगह हो वहां पे नवाज कबूल नहीं होती है, लेकिन हमारे जो धर्म शास्त्रों में है, वेदों में जो कहा गया है कि जहां प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाए वहां से एक इंच भी इधर से उधर नहीं होता है, यह प्रमाण है हमारे वेदों में। इसके कारण जहां राम की जन्म भूमि है वहां पे भगवान श्री राम का मूर्ति का स्थापना हो, और वहां पे आसपास कहीं भी मस्जिद ना हो। क्यों? क्योंकि वहां घड़ी, घंटा, घड़ियाल, शंख आदि बाजेंगे और वहां पे नमाज होगी तो मुस्लिम भाइयों को भी तकलीफ होगा और वह नमाज कबूल नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम भाइयों को भी इसमें चाहिए कि अपनी उदारता दिखा करके वहां से कई कोस दूर जा करके एक बढ़िया सा आप मस्जिद बनाएं, लेकिन ध्यान रखें बाबर नाम का नहीं, कोई अपने जितने भी आपके प्रतिष्ठित पीर पैगंबर हैं आप उनके नाम से मस्जिद बनाएं, हम सब भी उसमें यथाशक्ति अनुदान देंगे उस मस्जिद का निर्माण करने के लिए। जी फजील अहमद, आपको जवाब मिल गया। अब सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने अभी डिबेट के दौरान भी कहा कि बीजेपी जो है वो श्रेय लेना चाहती है और कुछ किया नहीं है बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए, संजय गुप्ता भी इसमें साथ दे रहे थे, लेकिन नेहा जी भी कह रही हैं और आचार्य जी भी ये बात उठा चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस का शासनकाल सबसे ज्यादा रहा, उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, पूरे अयोध्या विवाद अगर देख ले तो राजनीति की एंट्री हुई, वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, सभी पक्षों ने अपने तरीके से इसको इनकैश कराने की कोशिश की।
देखिए, नहीं तो ये कब का सॉल्व हो चुका होता। बाबा जी की बात पर मैं आ रहा हूँ, इनको मस्जिद से इतनी नफरत है। नफरत नहीं, नफरत नहीं है, नफरत तो नहीं है, नफरत नहीं। जैसे हमारे लिए मंदिर है वैसे आपके लिए मस्जिद है। मेरे गांव में मंदिर और मस्जिद एक ही दीवार है और आज तक कोई विवादे नहीं हुआ वहाँ पे। सुन लीजिए, कलाम के नाम से मेरे गांव में नहीं, सुन लीजिए, मेरे गांव में नहीं, कई सौ के नाम से मस्जिद होना, सुन लीजिए, कई सौ मस्जिद इस देश के अंदर, मंदिर और मस्जिद ऐसी हैं जिनकी दीवार एक हैदराबाद में बीच चौराहे पे, इनको कितनी नफरत है। देखिए, जब हमें वर्षों से बाबर मस्जिद, हम लोग सदियों से जब एक होकर के अजान और घंटा बजाते आए हैं और आज इनको इतनी तकलीफ। अरे वो हम तो वही हिंदुस्तान जा रहे हैं, आवाज और घंटा बजाने के लिए संत और घंटा बजाने में वैज्ञानिक पा है। कहीं मंदिर के बगल में मस्जिद बन जाए और मंदिर बने ताकि हम कह दे कि जो हमारे बाप दादा देख रहे हैं वो। दूसरी बात हम बताते रहे, कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया, और राजीव गांधी यदि जिंदा होते तो राम मंदिर उसी समय बन भी गया होता। काफी बातचीत हो चुकी थी, राजीव गांधी अगर जिंदा रह गए होते तो दो चार साल के अंदर मंदिर भी बन गया होता, कोई विवाद इतना बढ़ा भी नहीं होता। उनके एक्सपायर होने के बाद गांधी परिवार राजनीति से हट गया और ऐसे लोग कहां हट गया सर? फैजल साहब की बहुत बड़ी पीड़ा यही है कि ये श्रेय कांग्रेस को मिलना चाहिए लेकिन श्रेय बीजेपी को मिल रही है। सबसे बड़ी पीएम फैजल साहब को यार और टाइम में गांधी परिवार राजनीति से हट गया था। मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप घटनाओं की जानकारी नहीं रखते, करके सीधे चले जाते हैं। बात कर रहे हैं, यही बोल रहा हूं आपको। क्या बात कर रहे हैं? आप घटे राजनीति, आप पूछे कि कब हट गया है श्रेय गांधी? 7-8 साल तक, सुन लीजिए, 7-8 साल तक आपने पर्सनल अटैक किया है तो मैं यहाँ कहूंगी। आप वही बात है ना फजील अहमद, कि जहाँ जो चीज आपको लेनी है वो पॉइंट आप लेते हैं। राजीव गांधी कब लगा सर? कांग्रेस का हाल आज यही है, गांधी परिवार के ऊपर आप सोच नहीं पा रहे, राहुल गांधी से ऊपर सोच नहीं पा रहे। राहुल गांधी कांग्रेस में होता है और आप आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक करता है तो आपको बुरा लगता है और राहुल गांधी पे आप पर्सनल अटैक करते हैं। मैं पर्सनल आप एंकर हो सर? अरे आप एंकर हो, आप राहुल गांधी से मिलने मिलने में आपको कई घंटा लग जाए, कई साल लग जाएगा। आप सोच कर बैठे हैं, आप सोच कर बैठे हैं, आप सोच कर बैठे हैं, आप सोच कर बैठे हैं कि सवाल कर राहुल गांधी युवराज देश का भविष्य करो और फिर से सोने की चीज राहुल गांधी देश को बनाएगा। फजील अहमद, सवाल मेरा सिंपल सा था, आपने कहा कि कांग्रेस ने जो कुछ किया तो कांग्रेस ने किया तो फैसला आ जाता ना सर? इतना मैंने कहा कि राजीव गांधी मर गए, राजीव गांधी एक्सपायर करने के बाद गांधी परिवार राजनीति छोड़ दिया, गांधी परिवार ने राजनीति छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल राजनीति बताएंगे संजय गुप्ता। और उसके बाद जब आए आप बोल दीजिए, मैं मान लूंगी कि गांधी परिवार ने राजनीति छोड़ दी। बड़ा सम्मानित आपका ये कार्यक्रम, नहीं 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 सर, पर्सनल अटैक अगर होगा तो सवाल होंगे, क्या गांधी आपके पूरी कांग्रेस की राजनीति सर गांधी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है? नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए, गोल मटोल मत कीजिए, गोल मटोल नहीं कीजिए कि मेरा जवाब तो नहीं दूंगा ना, मेरा जवाब आप देना चाहती हैं, आप जवाब दीजिए। आप इतना इंपेशेंट क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, पर्सनल अटैक किया है सर। प्लीज सुनिए आप मेरी बात, जो भाई साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक समय था कि राजीव गांधी जी के बाद बहुत समय तक सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल भी राजनीति के अंदर कोई काम नहीं किया, कोई इसके अंदर वो आगे नहीं आई, क्योंकि जब उनके हस्बैंड की हत्या हो गई थी तो उन्होंने दुख के अंदर, जिस तरह से एक महिला होती है उनके संवेदनशील है, उन्होंने ठीक नहीं समझा कि उसके अंदर और लोगों को काम करने का अवसर मिला। मगर मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कभी हमने कसम नहीं खाई कांग्रेस ने कि कसम राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने तो कभी कसम नहीं खाई। जिन लोगों ने कसम खाई है, मैंने भी सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस देश में प्रधानमंत्री रहे, 6 साल से आज नरेंद्र मोदी जी हैं, हम लगातार सुनते आ रहे हैं, कभी कोई
फिर मैडम आपने हाथ उठा दिया, इतना इंपेशेंट है आप बोल रहे हैं, आप प्लीज दो मिनट, ये तरीका नहीं है, बात करने का तहजीब नहीं है, रुकिए दो मिनट। आप, मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइए कि इतनी क्या अपने आपने एक भी बार, आप अगर कसम राम की आपने खाई थी और कोर्ट ने फैसला करना था तो आपकी कसम की क्या जरूरत थी? वो तो कांग्रेस सरकार में भी फैसला होना था, यहाँ पे भी हो रहा है, आपकी कसम का बेनिफिट क्या हुआ? दूसरी चीज, आपने यदि कसम खाई थी तो आज से 15 साल 20 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको अध्यादेश लाना चाहिए था। इस देश के लोगों को उम्मीद थी, हिंदू धर्म के लोगों को उम्मीद थी। और सुनिए दो मिनट आप पूरी बात। और नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े जो नेता हुए हैं, जो आज से अभूतपूर्व हैं, आज से पहले कोई इतना बड़ा नेता इस देश में नहीं हुआ, पूरे विश्व में नहीं हुआ, उससे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को आपने 6 साल बेवकूफ़ बनाए रखा, उसको पूरा नहीं किया। और दूसरी बात, आज जब कोर्ट फैसला करने जा रहा है, आप उसका बेनिफिट लेने के लिए खड़े हो गए। विनय कटियार साहब कह रहे हैं सिर्फ वो बात मानेंगे यदि मंदिर बनेगा, जैसे महाराज कह रहे हैं, यही भाषा विनय कटियार जी की है। हमें इस भाषा पे एतराज है, आपको इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया को मानना पड़ेगा, न्यायाधीश के जो शब्द हैं, आदेश हैं, उनको मानना पड़ेगा। मगर आप किसी की किसी चीज की आप केयर नहीं कर रहे। हमने कभी राम मंदिर का विरोध भी नहीं किया, और हमने राम मंदिर बनाया। अरे मन बहनी, अब थोड़ा सा आप जाइए, अरे सुन लीजिए, मैं खत्म तो कर लूँ, आप बीच में एंकर साहब बोलेंगी आपको, रुकिए एक मिनट, मैं एक बात करके खत्म करूंगा, सिर्फ एक लास्ट बात। अच्छा, बार बार अभी नेहा जी बता रही थी कि कपिल सिब्बल जी, अरे पहली बात तो ये है, इस पूरे मुकदमे के अंदर कांग्रेस कहीं पक्षकार नहीं है, कपिल सिब्बल एक एडवोकेट है, किसी भी पक्षकार के एडवोकेट हो सकते हैं, है और उनकी अपनी बात है। आप किस तरह से गुमराह कर रही है, किस तरह से झूठ बोल रही है, ये आपकी ये पता चलता है, ये आपकी मानसिकता मालूम चलती है, आप झूठ रखती है, राष्ट्रीय जनता में झूठ बोलती है, और कपिल सिब्बल पक्षकार है, आप कांग्रेस के लोग की है, अरे आप बताइए, आप अध्यादेश क्यों लाई, तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता कर लो क्यों लुटा, आपने 13 साल के अंदर इस देश के अंदर राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं लाया, आप जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें अपने संविधान के अंदर जब आपका शासन था और आपका शासन था अटल सरकार में, क्यों आज विधानसभा में, क्यों आज लोकसभा में, क्यों राज्यसभा में कोई प्रस्ताव नहीं लाए, तो कहां गई तुम्हारी पहचान, कहां गई वो पहचान जो राम जो रखिया था, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले थे, जो झूठी आडवाणी जी निकले थे, राम जी की फोटो नीचे थी, आडवाणी जी ऊपर थे और देती रही और वो निकली थी, आपने रोटियां सेकी, आपने 30 साल तक लगातार वोट मांगा, आपका समय आया, आपने अध्यादेश नहीं लाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 50 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, हम 7वें साल में कर रहे हैं और फिर भी आप बेशर्म होकर खड़े हो चुके हैं, दुनिया जानती है आप बेशर्म हैं, जो आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 साल के बाद 6ठे साल है, आप लोगों को डूबना चाहिए, क्योंकि आप लोग राम के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, राम के नाम का चंदा इकट्ठा करते रहे, झूठे लोग, पक्का लोग, एकदम झूठे और धोखेबाज, तभी तो आज इनको कोई वोट नहीं देते, राम के नाम पे इकट्ठा किया, आज कोई वोट नहीं देता कांग्रेस को, कांग्रेस को, 7000 करोड़ का आपने यहाँ पे कार्यालय, चलिए आपने बोला राम का पैसा कहाँ है।